हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि फोल्डर क्या होता है और फोल्डर बनाने के कितने तरीके होते हैं। आप डेस्कटॉप पर कैसे फोल्डर बनाएं या तो किसी ड्राइव पर आप कैसे फोल्डर बनाएं, इन सभी के बारे में आज बताने वाला हूं। सो हे गाइस, मेरा नाम अजय और आप देख रहे हैं अजय टेक ज्ञान चैनल। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फोल्डर क्या होता है। फोल्डर क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा स्थान जिसमें कंप्यूटर के फाइलों, शॉर्टकट और अन्य फोल्डर्स या फाइल्स को संग्रहित करके रखा जाता है। इसके अलावा इसे डायरेक्टरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये फोल्डर है। अब ये क्या होता है ना कि इसके अंदर बहुत सारे फाइल्स को हम लोग स्टोर करके रखने के लिए फोल्डर बनाते हैं। जैसे कि ये सब फाइल है, अब इस फोल्डर के अंदर है ये स्टोर किया हुआ। तो अब ये जो फोल्डर है ये बनाते कैसे हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि डेस्कटॉप पर पहला तरीका होता है कि राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद न्यू का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो अब आता है यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर का ऑप्शन, इस पर जाके हम क्लिक कर देंगे। तो ये हुआ एक तरीका फोल्डर बनाने का। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट बनाने के लिए इस पर क्या करेंगे, आपको एक नाम डालना होगा, जैसे कि राजू, और एंटर कर दिए। ये हो गया पूरा कम्प्लीटली फोल्डर। अब ये हुआ एक तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको डेस्कटॉप पर ये फोल्डर्स बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट की डालेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर बन गया है। तो ये एक शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की के मदद से भी आप बना सकते हैं। तो इसमें भी एक नाम डाल देते हैं, विजय। ओके, तो ये हो गया एक फोल्डर। तो इस टाइप से आप फोल्डर बना सकते हैं। इसके बाद अब आता है कि किसी भी फोल्डर के अंदर आप फोल्डर कैसे बनाएं। जैसे कि ये राजू नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर एक फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर कैसे बनाएं, तो इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये जो है राजू नाम का फोल्डर के अंदर हम लोग आ गए। इसके अंदर कुछ भी अब नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर अगर फोल्डर बनाना है तो बनाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, जैसे उसमें बनाए थे सेम प्रोसेस है इस पर भी, कि आपको यहाँ राइट क्लिक करना है और न्यू में जा कर के फोल्डर पर क्लिक करना होगा। तो ये फोल्डर बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक फोल्डर बन गया। तो अब इसका भी एक नाम दे देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये हुआ एक तरीका इसी फोल्डर्स के अंदर में फोल्डर बनाने का। अगर हम राइट क्लिक के अलावा भी बनाना चाहते हैं तो भी बनेगा। उसके लिए क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फोल्डर बन गया है। तो शॉर्टकट यहाँ पर भी काम आने वाला है, इसको याद कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो यहाँ पर भी हम एक नाम डाल देते हैं, जैसे कि संजय। तो ये हुआ दो तरीका। अब तीसरा तरीका क्या है कि आपको यहाँ पर न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो भी आपका एक फोल्डर बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर बन चुका है। तो इस टाइप से आप फोल्डर बना सकते हैं, किसी फोल्डर के अंदर इस टाइप से फोल्डर बना सकते हैं। और अगर आपको डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाना है तो सेम प्रोसेस है, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और इस जगह फोल्डर पर जाकर क्लिक कर देंगे। तो ये होता है फोल्डर बनाने का तरीका। अब क्या है, अगर हम बात करते हैं रिनेम करने का, नाम डल गया है, अब डलने के बाद क्या है कि हम इसे रिनेम करना चाहते हैं। तो रिनेम करने के लिए सिंपली इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसके ऊपर, इसी के ऊपर पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद एकदम लास्ट का सेकंड नंबर पे रिनेम का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाके क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर नाम चेंज करने का एक ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें नाम चेंज कर देंगे, जैसे कि लखन और एंटर कर देंगे। तो ये फोल्डर रिनेम हो चुका है। तो इस टाइप से रिनेम कर सकते हैं। इसको भी रिनेम करना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे एक बार, और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक एंड रिनेम, यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। तो इस टाइप से आप नाम चेंज कर सकते हैं इस टाइप से।
तो ये हुआ रिनेम करने का तरीका। अब क्या बात करते हैं कि तो अब क्या करेंगे कि आपको किसी एक फोल्डर के अंदर जाना है, जैसे कि अब अगर आपको फाइल्स को ट्रांसफ़र करना है, अब क्या करेंगे जैसे ये रीता नाम का एक फोल्डर है, इसके अंदर जाएंगे। अब जैसे कि ये आ गए तो यहाँ पर दो फाइल दिख रहा है, तो इन दोनों फाइल्स को हम यहाँ से क्या करेंगे, रीस्टोर डाउन करेंगे, छोटा विंडो बनाएंगे, यहाँ पर साइड भी रखेंगे डेस्कटॉप के। अब इसके बाद जो है एक लखन नाम का फोल्डर है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, इसको भी हम लोग साइड में रख देते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर फोल्डर्स रखा हुआ है और रीता नाम का फोल्डर के अंदर दो फाइल्स रखा हुआ है। अब ट्रांसफ़र करना है हमको, यहाँ से लेकर के यहाँ लाना है। तो लाने के लिए का प्रोसेस क्या है ना, कि सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसे राइट क्लिक करके कॉपी में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कॉपी हो चुका है, कॉपी करने के बाद में अब जहाँ लाना है आपको, जैसे कि लखन नाम का एक फोल्डर है उसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर हमको इस फाइल को ट्रांसफ़र करना है, तो इसे यहाँ पर जाके राइट क्लिक और पेस्ट कर देंगे। तो ये जो दो फाइल है ये यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब एक विंडो से दूसरे विंडो, यानी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर से तीन फोल्डर दिया हुआ है, अब तीनों फोल्डर्स को हमको लाना है इस फोल्डर के अंदर, तो क्या करेंगे, पहले इसे सेलेक्ट करेंगे, इसको इन तीनों फोल्डर को सेलेक्ट किए, इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक एंड कॉपी, कॉपी करने के बाद अब जहाँ आपको पेस्ट करना होगा उस पर क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद इस पर भी पेस्ट कर देंगे। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं या तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आता है कि आप कोई भी फोल्डर को परमानेंट डिलीट कैसे करें। जैसे कि ये जो फाइल है इसको अगर हम नॉर्मल डिलीट करते हैं कीबोर्ड से, या इसी के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट करेंगे, तो क्या होगा कि ये रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। अगर डिलीट यस कर देंगे तो ये रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। लेकिन हम लोग का काम क्या है कि इसे परमानेंट डिलीट कैसे करें, परमानेंट डिलीट करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और इसे शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन को दबा देंगे। तो अब क्या होगा कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, जो भी फोल्डर को हम लोग सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट किए हैं तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा अगर यस कर देंगे तो। ठीक है, तो ये होता है इसका परमानेंट डिलीट करने का तरीका। सो आज के वीडियो पर हमने सीखा कि फोल्डर कैसे बनाते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, या फोल्डर्स के अंदर फोल्डर कैसे बनाते हैं, या तो आप फोल्डर से फाइल को कैसे ट्रांसफ़र करें, फाइल को परमानेंट डिलीट कैसे करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।